नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। गंज बसौदा जन चिकित्सालय प्रबंधन की लापरवाही का मामला, जांच से पहले ही जांच दल ने अस्पताल प्रबंधन को दी क्लीन चिट, अधिकारी बोले जबरन मीडिया बना रही है विषय। जांच अधिकारी और मीडिया कर्मियों में हुई गहमा गहमी, जांच दल ने कवरेज पर जताया ऐतराज। जिंदा नवजात बच्चे को मृत बताने वाले मामले में आया जिला अस्पताल से जांच दल, चिकित्सकों के लिए बयान। सस्पेंड नर्स बोली मेरी गलती नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने परिजनों को बच्चा नहीं सौंपा। स्थानीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में गत 23 दिसंबर को ग्राम वनवाग जागीर की एक महिला के नवजात जिंदा बच्चे को मृत बताकर परिवार को बच्चे को दफन करने के लिए देने वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मीडिया द्वारा उठाए गए मामले में जिला अस्पताल ने एक जांच दल गठित किया है, जिसमें दो सदस्यीय जांच दल डॉक्टर हंसा शाह एवं डॉक्टर निर्मला तिवारी स्थानीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय पहुंची, जहां पहुंचते ही जांच अधिकारी डॉक्टर निर्मला तिवारी और मीडिया कर्मियों में गहमा गहमी हो गई। जांच अधिकारी डॉक्टर तिवारी को मीडिया का कवरेज करना, फोटो खींचना पसंद नहीं आया और डॉक्टर साहिबा बोली फोटो खींचना है तो कलेक्टर का जाके खींचो, जबरन विषय को तूल दे रहे हो, एक छोटे से अवशन के मामले को कितना हाई प्रोफाइल बना दिया। अब जांच दल में शामिल डॉक्टर साहिबा को बिना जांच के यह कैसे पता कि ये अवशन का मामला है? क्या जांच दल ने बिना जांच के ही अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी? अब ऐसे में सोचना लाजमी है कि जांच दल क्या जांच करेगा और इसकी क्या रिपोर्ट आएगी। जब जांच दल पहले ही अस्पताल प्रबंधन की वकालत कर रहा है, तब ऐसे में यह देखना लाजमी है कि बड़े अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। मध्य प्रदेश गंज वासौदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। मैंने आपसे कहा जो दोषी है उस पे कार्रवाई निश्चित होगी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, या कोई भी। आपके स्टाफ ने बता पहले से जिंदा था या जो स्टाफ ड्यूटी पे था आपको मालूम है? तो आपको जांच दल में भेजा गया है, वहाँ से दिशा से एक जांच दल टीम गठित की गई है, जिसमें आपको भेजा गया कि वो इस पूरे मामले की बारीकी से जाँच हो। तो ये आप क्या देखने आए हैं, किन बिंदुओं पर जांच करेंगे? सभी बिंदुओं पर जांच। कौन कौन से ऐसे जब बिंदु? जब अबॉर्शन हुआ, फिर उसके बाद उसके कब किसके द्वारा किया गया, फिर किसने मेडिकल ऑफिसर ने देखा, फिर कब डिस्चार्ज हुआ, फिर उसको कब हैंडओवर किया, सभी बिंदुओं पर जांच। ये बच्चे को विदिशा रेफर किया गया है और गहन चिकित्सा के लिए, वो भी जानकारी में होगी फिर तो आपको। अभी जांच में बयान लिए जाएंगे ना, किसके द्वारा रेफर किया गया है। जी मैडम, दोषियों पर कार्रवाई होगी क्या, या फिर किसी छोटे प्यादे को निपटा के जो है तीसरी कर दी जाएगी जांच? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो भी जांच में सही पाया जाएगा उससे। मैम, स्टाफ नर्स का कहना है कि हमने बच्चा सौंपा ही नहीं जिसको निलंबित किया गया। अच्छा, नहीं तो अपन उसको अभी जांच में अभी क्लियर हो जाएगा ना कि किसके द्वारा अबॉर्शन हुआ, किसके द्वारा बच्चे को ने परिजनों को। मैडम, विदिशा जिला चिकित्सालय के डॉक्टर राकेश अहिरवार जी ने स्टेटमेंट दिया है कि बच्चा सुबह 6:30 बजे मृत हुआ है, 12 घंटे उसका इलाज आईसीयू वार्ड में चला है, उसके बाद सुबह 6:30 बजे मृत हुआ, मतलब बच्चा तो जीवित था। तो इस विषय में आप थोड़ा बताइए मैडम। तो अबॉर्शन भी अगर होता तो कई बार किसी केस में धड़कन है कुछ घंटे तक रहती है, किसी के 48 घंटे से 72 घंटे तक भी धड़कन चलती। इस अवस्था में मैडम बच्चे को क्या दफनाने के लिए दे सकते नहीं, नहीं, नहीं। तो इस पर जिम्मेदार डॉक्टर जिनकी ड्यूटी थी अस्पताल में, ड्यूटी डॉक्टर की, उस पर क्या कार्रवाई होगी? अगर ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म किया होगा कॉल करके तो ड्यूटी डॉक्टर ने ड्यूटी हॉस्पिटल में कोई ना कोई तो ड्यूटी डॉक्टर रहते ही ना मैडम।
बिना ड्यूटी डॉक्टर के तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? नहीं, डॉक्टर रहते हैं, इन्फॉर्म किया जाता, कॉल रजिस्टर रहता है, उससे डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। ये पहला मामला नहीं, और भी मामलों में ऐसा क्यों होता है कि छोटे कर्मचारी पे ही गाज गिरती है, बड़े कर्मचारियों को बचा लिया जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो भी वस्तु स्थिति होगी पूरा। कितने लोगों की टीम आई है यहाँ जाँच करने? मैं और डॉक्टर निर्मला तिवारी। दो लोग। कौन से पद पे है निर्मला तिवारी मैडम? ये वरिष्ठ स्त्री रोग चिकित्सक। मैडम लेकिन जांच टीम में आप अकेली दिख रही हैं, वो आई नहीं है कि विदिशा से? अंदर वो केस बयान दे रही है। आई तो है ना साथ में? साथ में बयान ले रही है, क्योंकि वो कहीं भी कैमरे में नजर नहीं आ रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बयान ले रही है। क्या यह मीडिया वालों के सवालों से बस्ती नजर आ रही है या सामने नहीं आना चाह रही? गंजे बासदा आते ही उन्होंने गंजे बासदा की मीडिया पे ये आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को गंजे बासदा की मीडिया ने तूल दिया है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ। ठीक नहीं, ये रिकॉर्डेड है मैडम। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा कोई केस नहीं है, ये जबरदस्ती नेतागिरी करी जा रही है। इस टाइप के शब्द क्या एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से अपेक्षित है? आप उनके सीनियर अधिकारी हैं। आपका मैं मैडम वक्तव्य चाहूँगा, आपकी मौजूदगी में उन्होंने शब्द बोले गंजे बासदा प्रेस मीडिया के लिए? मैंने ये शब्द नहीं सुने थे, मैं इधर अंदर। चलिए।